आपने गेमिंग लैपटॉप के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर है Xiaomi का गेमिंग स्मार्टफोन ब्लैक शार्क। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग हैंड्स ऑन रिव्यू ब्लैक शार्क का। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। वेलकम टू टेक बाइट गाइज। तो बात करते हैं इसकी बॉक्सिंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको Xiaomi का ब्रांडिंग नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक शार्क का लोगो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अनबॉक्स दिस डिवाइस। यहाँ आपको मिल जाता है ब्लैक शार्क मोबाइल का बॉक्स और साथ में मिलता है एक गेम पैड। गेम पैड का अनबॉक्सिंग हम बाद में करते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स द डिवाइस फर्स्ट। द बॉक्स इटसेल्फ लुक्स प्रीटी वेल। यहाँ आपको गेम पैड खरीदना पड़ता है। पहले 1000 बायर को ये फ्री में मिलेगा। सो दिस इज द फुल कॉम्बो ऑफ ब्लैक शार्क। ये है ब्लैक शार्क का बॉक्स। यहाँ आपको कुछ चाइनीज में लिखा है कि यू आर अ गेमर लेट्स स्टार्ट। हमारे पास ये है चाइनीज वर्जन। यहाँ आपको मिलता है एक बैक कवर जो कि गेम पैड कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होगा। साथ में आता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और यहाँ पे है टाइप सी यूएसबी केबल और यहाँ पे Xiaomi ने एक नॉर्मल चार्जिंग एडेप्टर दिया है। हमेशा की तरह आपको यहाँ पे हैंड्स फ्री नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं गेम पैड के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा है। बॉक्स में से गेम पैड बाहर निकाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये गेम पैड आप पर्टिकुलर इस फ़ोन पर ही यूज़ कर सकते हैं। इस गेम पैड का आप दूसरे किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकेंगे। पीछे भी आपको ब्लैक शार्क की ब्रांडिंग दी गई है। ऊपर की तरफ भी दो बटन्स दिए गए हैं जो कि है एक्सबॉक्स और PSP की कंट्रोलर के जैसे ही। बटन्स और कंट्रोलर्स काफ़ी स्मूथ यूज़ करते हैं गेमिंग के वक्त। यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है चार्जिंग के लिए जो कि है टाइप सी का। ये वायरलेस कनेक्ट होता है फ़ोन के साथ, तो आपको इस गेम पैड को चार्ज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फ़ोन के बारे में। फ़ोन आपको पीछे की साइड पूरा रॉक सॉलिड मिलता है। अब हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है गेमिंग के बारे में। फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, 8GB की रैम दी गई है इसमें। साथ में है 4000mAh की बैटरी। आपको पीछे की साइड ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो कि है 12 MP और 20 MP, और आपको फ्रंट में मिलता है 20 MP का कैमरा सेल्फी के लिए। यहाँ पर आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। साथ में ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और काफ़ी स्लिम बनाया है इस फ़ोन को। ये फ़ोन लेटेस्ट ओरियो पर वर्क करता है। साथ में आपको मिलती है कस्टमाइज MIUI रोम फॉर द स्पेशली गेमिंग MIUI रोम। अब हम यहाँ पर देखते हैं गेम पैड करके परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो अब हम गेम पैड कनेक्ट करके इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ोन हैवी गेमिंग के बाद भी हीट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है लिक्विड कूलिंग ऑन यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉयस्टिक काफ़ी स्मूथ वर्क करता है और आप अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस इस गेम पैड के साथ इस फ़ोन में प्ले कर सकते हैं अच्छी गेम। यहाँ पर आपको स्पेशली गेम डाउनलोड करने के लिए ब्लैक शार्क स्पेस करके एक आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस फ़ोन में मिल जाता है, जिस पर से आप इसकी गेमिंग एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको शार्क स्पेस की हेल्प से दूसरे प्लेयर के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं एक्सबॉक्स की तरह ही। तो ये था पूरा रिव्यू ब्लैक शार्क का। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।